स्वागत है दोस्तों आपका कन्हैया जी सोल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेलवे जोन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग रेलवे जोन के बारे में बात करेंगे, और बात ही नहीं बल्कि जितने भी रेलवे जोन है टोटल 18 है, 18 को एकदम जुबानी याद करेंगे। और वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा तो गारंटी है आपको जितने भी रेलवे जोन है एकदम आपको जुबानी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक के बारे में बात करेंगे और कैसे याद करें इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे आजकल के एग्जाम में पूछ दे रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ दे रहा है कभी कभी दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, ऐसे ऐसे पूछता है, या फिर पूछ देता है कि केंद्रीय या फिर सेंट्रल रेलवे किस रेलवे जोन को कहते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, और समझ में भी आएगा। वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जोन, ठीक है। जोन होता क्या है, देखिए जोन दो चीज होता है, जोन और डिवीजन, ठीक है। तो जोन देखिए बड़ा होता है, जैसे हम लोगों ने नाम सुना होगा इलाहाबाद जोन, ठीक है, इलाहाबाद जोन, और जैसे पटना जोन, बिलासपुर जोन, जैसे हम लोग फार्म भी भरते हैं तो जोन वाइज भरते हैं, जैसे अभी एनटीपीसी का आया है, तो इस तरीके से जोन बड़ा होता है, ठीक है। मान लीजिए यह हो गया दक्षिण का जोन, ठीक है, यह हो गया दक्षिण पश्चिम का, इस तरीके से रेलवे जोन जो होता है बड़ा होता है। और जो डिवीजन होता है रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, मान लीजिए इसमें 5 डिवीजन जोन है, ठीक है, तो यह क्या होगा, डिवीजन जोन से छोटा होता है, क्या होता है, डिवीजन जोन से छोटा होता है। तो उम्मीद करते हो कि डिवीजन और जोन में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब जितने भी जोन है सभी को हम लोग याद करेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग याद कैसे करें उसको समझते हैं। देखिए यह तो पता होना चाहिए, ऊपर क्या होता है उत्तर, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है, नॉर्थ साउथ, और इस साइड में होता है ईस्ट वेस्ट, यानी कि पूर्व पश्चिम, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक एक के बारे में देखते हैं। ऊपर उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि दिल्ली में, देखिए ऊपर उत्तर है तो उत्तर कहां पर, यहां पर दिल्ली है, तो दिल्ली कहां पर है, उत्तर में, तो उत्तरी जोन का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे उत्तर तो यहां पर भी, यहां पर होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमालय, हिमाचल, ठीक है, यहाँ पर हिमालय पर्वत का इतना विस्तार है कि वहां पर रेलवे का लाइन ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए वहां पर कोई जोन नहीं बनाया गया है। तो उत्तरी जोन का मुख्यालय कहां पर हो गया, दिल्ली। अब आइए दक्षिणी, देखिए अब दक्षिण में कौन सा है, चेन्नई, यहाँ पर चेन्नई पता है ना, चेन्नई सुपर किंग वाला चेन्नई, तो यहां पर हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। तो दो तो याद हो गया, उत्तर दक्षिण, उत्तर दिल्ली, दक्षिण नीचे चेन्नई। अब आइए पूर्व में, अब देखिए पूर्व में यहां पर कौन सा पड़ता है, कोलकाता, ठीक, क्या पड़ता है, कोलकाता, तो यहां पर हो जाएगा कोलकाता, पहले कलकत्ता कहते थे इसे, ठीक है। तो देखिए कोलकाता, और इधर आ जाएंगे तो इधर कहां पड़ेगा, इधर पड़ेगा मुंबई, क्या पड़ेगा, मुंबई, तो मुंबई में पड़ता है चर्च गेट, तो इसका मुख्यालय कहां पर है, चर्च गेट मुंबई में, छोटा छोटा लिख रहे हैं वैसे दिखाई देना चाहिए। तो चार तो याद हो गया, आप देखिए ऊपर दिल्ली, नीचे चेन्नई, उत्तरी का मुख्यालय दिल्ली, नीचे चेन्नई, और इधर आ जाएंगे पूर्व, पूर्व में हो जाएगा कोलकाता, पश्चिम में चर्च गेट मुंबई वाला, ठीक है, ऊपर दिल्ली, नीचे चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई, यानी कि चर्च गेट। देखिए अब देखिए केंद्रीय, यानी कि मध्य में कौन सा है, तो मध्य में पड़ता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, CSMT कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में CST भी कह देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, ठीक है। तो पांच तो एकदम याद हो गया होगा। अब देखिए अब यह हो गया, इसके मध्य मध्य में भी होते हैं, तो मध्य में कौन सा होता है, यहाँ पर आया जी मध्य में, ठीक है, चारों के मध्य में भी होते हैं, होते क्या है, हाँ, ठीक है। देखिए इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया मध्य, यानी कि पूर्व और मध्य, पूर्व और मध्य के बीच का मुख्यालय कहां पर है, तो यहां पर पड़ जाएगा बिहार के हाजीपुर में, ठीक है, तो यहां पर पड़ जाएगा हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर हो गया पूर्व और मध्य। अब आइए पश्चिम मध्य, ठीक है, पश्चिम मध्य में कौन पड़ेगा, अब देखिए नक्शे में आइए, यहां है पश्चिम, यहां है मध्य, इन दोनों के बीच में यहां पर क्या पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश पड़ता है ना, मध्य प्रदेश का जबलपुर, ठीक है, यहां पर पड़ जाएगा जबलपुर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाला बटन दबा दीजिए, ठीक है। अब देखिए
यह हो गया। अब आइए उत्तर और मध्य, उत्तर और मध्य के बीच में क्या पड़ेगा सोचिए जरा। यहाँ पर पड़ गया उत्तर, यहाँ पर पड़ गया मध्य, उत्तर और मध्य के बीच में क्या पड़ेगा यहाँ पर इलाहाबाद पढ़ना चाहिए कि नहीं इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया प्रयागराज, तो हम यहाँ पर इलाहाबाद ही लिखते हैं इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयाग, प्रयागराज ठीक है ठीक है, चुद्धा का काम इसलिए नहीं लिखे। तो हो गया उत्तर और मध्य के बीच का इलाहाबाद या प्रयागराज। अब आइए दक्षिण, दक्षिण और मध्य के बीच में कौन हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण और मध्य के बीच में, देखिए यहाँ पर बात, यहाँ पर भी बात आएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिकंदराबाद, याद करने का ट्रिक देखिए सिकंदरा, सिकंदराबाद इसको नहीं ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मध्य में बात, यहाँ पर भी मध्य में बात, तो याद करने में आसानी है, यहाँ इलाहाबाद यहाँ सिकंदराबाद, यहाँ पर भी पूर्व यहाँ पर भी पूर्व ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हाजीपुर, यहाँ पर हो गया जबलपुर। देखिए अब तक कितने याद हो चुके हैं, आठ एक नौ याद हो चुके, कौन कौन देखिए उत्तर में हो जाएगा दिल्ली, नीचे में चेन्नई, दिल्ली चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में चर्चगेट, अब बीच में सीएसटी हो ही गया। उत्तर और मध्य, उत्तर मध्य के बीच में कौन आएगा इलाहाबाद, अब उस तरह ये मध्य और दक्षिण, मध्य और दक्षिण के बीच में कौन हो जाएगा सिकंदराबाद। अब देखिए पूर्व और मध्य, पूर्व और मध्य के बीच में क्या हो जाएगा हाजीपुर, और पश्चिम और मध्य, पश्चिम और मध्य के बीच में हो जाएगा जबलपुर ठीक है। अब देखिए अब इसके भी बीच में है, इसके भी मध्य में है, देखिए देखिए जब यह उत्तर हुआ यह पूर्व हुआ, तो यह उत्तर पूर्व हुआ और उत्तर पूर्व का मुख्यालय यहां पर पड़ जाएगा गोरखपुर, गोरखपुर योगी बाबा का घर गोरखपुर ठीक है। अब देखिए यहां पर भी पूर्व और यहां पर भी पूर्व, यहां पर कौन सा पड़ जाएगा देखिए, यहां पर जब आएंगे मध्य में और यहां पर जब ऐसे खींचेंगे तो यहां पर कौन आ जाएगा राजस्थान का जयपुर आएगा कि नहीं ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर किसका मुख्यालय है मध्य और देखिए यहां पर हो गया उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व के मुख्यालय कहां पर है जयपुर में ठीक है। अब देखिए नीचे भी आइए, अब यहां पर पड़ेगा कर्नाटक में हुबली, हुबली ठीक है, हुगली नहीं, हुगली तो कर्नाटक, हुगली तो कहां पड़ता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन यह क्या है हुबली कर्नाटक का, तो क्या हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम का मुख्यालय कहां हो जाएगा हुगली में। अब आइए देखिए यहां पर हो गया पूर्व, यहां पर हो गया दक्षिण, और दक्षिण पूर्व का मुख्यालय यहां पर कहां हो जाएगा देखिए, यहां पर समझने वाला पॉइंट है, यहां पर बहुत से लोग गड़बड़ा जाते हैं, देखिए जब यहां पर हम लोग खींच देंगे, यहां तो हो गया कोलकाता हो गया मान लीजिए, अब जब यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या पड़ जाएगा समुंदर, अब समुंदर में तो मुख्यालय बनाएंगे नहीं, तो मुख्यालय यहां पर बनाएंगे नहीं, यहां पर घुसका दिए, यहां पर इसका मुख्यालय कहां हो गया दक्षिण, और पूर्व का मुख्यालय कहां पर हो गया कोलकाता, यह याद रखिए कोलकाता ठीक है, तो दक्षिण और पूर्व का मुख्यालय हो गया कोलकाता, और पूर्व का मुख्यालय कोलकाता है। अब एक और याद रखिए कि जो कोलकाता मेट्रो है, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहां पर है कोलकाता में है, तो यहीं पर लिख दिए कोलकाता मेट्रो METR ठीक है। तो पूर्व में कितने का मुख्यालय, तीन का, एक पूर्व का, एक दक्षिण पूर्व का, और एक कोलकाता मेट्रो का। कोलकाता मेट्रो आप लोग सोच रहे होंगे किसके अंडर में आता है, तो कोलकाता मेट्रो भारत सरकार के अंडर में आता है ठीक है। अब देखिए और भी जितने मेट्रो बनते हैं जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो, ये सब राज्य सरकार के अंडर में आता है, लेकिन कोलकाता मेट्रो भारत सरकार के अंडर में आता है। अब देखिए इतना तो हो गया, अब इसके बीच में भी है एक मुख्यालय है, यहां पर पड़ता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में किसका क्या नाम है बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर कहां पड़ता है दक्षिण, दक्षिण और मध्य के बीच में कौन सा पड़ता है दक्षिण मध्य नहीं दक्ष पूर्व और दक्षिण के बीच का ठीक है बिलासपुर, बिलासपुर कहाँ है छत्तीसगढ़ में, यह इकलौता है जो कि यह बीच के बीच में पड़ता है, जैसे यह सब एकदम किनारे किनारे पे हैं लेकिन यह बीच में है। तो अब तक इतने रेलवे जोन के मुख्यालय हो गए, अब बचे तीन और रेलवे जोन के मुख्यालय, अब तीन और कौन कौन से हैं उसको भी देखिए, देखिए अब तक कितने हुए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11, 12, 13, 14, 15 क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है, इतने हो गए। अब देखिए यहाँ पर कोस्टल एरिया जो है यहाँ पर भी रेलवे बनाया गया है, यह उड़ीसा वाला जो तट है उड़ीसा वाले तट पर बनाया गया, इसे कहते हैं पूर्वी ठीक है, पूर्वी
पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय, ठीक है, यहाँ पर है पूर्वी तटीय रेलवे मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है। और यहाँ पर जो है तट, ये कौन सा तट है, दक्षिणी तट, दक्षिणी तट का मुख्यालय पड़ता है विशाखापट्टनम में, यह नवीनतम है 18वां जून, ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो गया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में। अब 17 रेलवे जोन के मुख्यालय हो चुके हैं, 18वां कौन सा है, मतलब 18वां नवीनतम ही है, लेकिन 17 हुए 18वां, देखिए यहाँ पर भी, यानी कि जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है यहाँ पर भी रेल लाइन भी बिछाई गई है, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं बिछाई गई है, ठीक है। जैसे विवेक एक्सप्रेस हो गया, कहाँ से कहाँ तक चलता है बताइए कमेंट करके नीचे। अब देखिए यहाँ पर जो है रेलवे जोन, इसे कौन सा रेलवे जोन कहते हैं, पूर्वी सीमांत, यानी कि सीमा का अंत हो गया पूर्व में जाके, तो पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, यहाँ पर पूर्वोत्तर में, और उसका नाम क्या है, मालेगांव गुवाहाटी में, ठीक है। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, मालेगांव कहाँ पड़ता है, गुवाहाटी में। तो इस तरीके से 18 रेलवे जोन के मुख्यालय हो चुके हैं। एक बार आप हमारे साथ साथ बस दोहराइए, ठीक है, देखिए पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में चर्चगेट, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, ठीक है, और पूर्व मध्य के बीच में हाजीपुर, मध्य और पश्चिम के बीच में हो गया जबलपुर, उत्तर मध्य के बीच में क्या हुआ, इलाहाबाद प्रयागराज वाला, और मध्य और दक्षिण के बीच में कौन सा हो गया, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम नहीं सिकंदराबाद, और बीच में हो गया सीएसटी, हो गया दक्षिण, ठीक है, पूर्व और उत्तर के बीच में यहाँ पर कौन सा हो गया, गोरखपुर, अब पश्चिम उत्तर के बीच में हो गया जयपुर, ठीक है, और दक्षिण और पूर्व के बीच में यहाँ पर कौन सा हो गया, दक्षिण और पूर्व के बीच में कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा नहीं, तो इसका बन गया कोलकाता, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा हो गया, हुबली, हुबली कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, और दक्षिण और उसके बीच में यहाँ पर हमने बताया था हो गया था बिलासपुर, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी रेलवे जोन की मुख्यालय है हमने बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयत्न किया है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो क्या कहिए, कन्हैया जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन घटी है उसे भी क्लिक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।